यू इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई एंड वी इक्वल्स टू ऑफ एक्स प्लस टैन इनवर्स ऑफ वाई। आर यू वी फंक्शनली रिलेटेड? If so, find their relationship. यहाँ पे जोकोबियन यू एंड बी फंक्शनली रिलेटेड है कि नहीं वो पहले फाइंड आउट करना है। उसके लिए जोकोबियन ऑफ यू वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई मस्ट बी जीरो होना चाहिए। इफ इट इज जीरो देन वी कैन से यू एंड वी आर फंक्शनली रिलेटेड। एंड सेकेंड फाइंड देयर रिलेशनशिप, दैट मीन्स इन दो इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, यहाँ से एक्स और वाई को एलिमिनेट करना है और जो आंसर आएगा वो कम्प्लीटली फंक्शन ऑफ ये जो रहेगा इक्वेशन ऑफ यू एंड वी के फॉर्म में होना चाहिए विदाउट कंटेन एनी एक्स एंड वाई, क्योंकि एक्स और वाई रहेगा तो फिर से वो इसके फॉर्म में आ सकता है। सो वी हैव टू फाइंड रिलेशन, दैट मीन्स फाइंड द इक्वेशन विच कंटेन यू एंड वी विदाउट कंटेन एक्स वाई। सो नाउ हियर by definition of Jacobian, J is equals to Jacobian of u v with respect to x y, that is nothing but determinant of del u by del x, del u by del y, and here del v by del x, del v by del y. ये definition of Jacobian है। paper में solve करते वक्त always वहाँ पे mention किया करो by definition of Jacobian it is this one. ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली यू और वी लिख दिया उसका डिफरेंशिएट किया वो वैल्यू को पुट अप किया, क्योंकि डेफिनेशन में वैल्यू पुट अप कर रहे हैं, पहले उसको डेफिनेशन मेंशन करो देन पुट द वैल्यू। नाउ हियर गिवन यू एंड वी आर गिवन यू इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई एंड वी इज अवर टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टैन इनवर्स ऑफ वाई। डिफरेंशिएट इस टर्म पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। अगर इस टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिवीजन रूल अप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ कंटेन एक्स। क्या आएगा यहाँ से डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल्स टू डिवीजन का टर्म 1 माइनस एक्स वाई एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर टर्म विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1, देन माइनस एक्स प्लस वाई एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर टर्म विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल देते हैं, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा बाकी ये कॉन्स्टेंट माइनस वाई एज इट इज, देन डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई ब्रैकेट स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो इस टर्म को, ये माइनस वाई माइनस ऑफ माइनस तो ये हो जाएगा प्लस स्क्वायर अपॉन करेक्ट। डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म का 1 रहेगा मिडल एक्स वाई का टर्म इसके साथ में कैंसिल। नाउ जैसे हमने डेल यू बाय डेल एक्स निकाला सेम हम डेल यू बाय डेल वाई निकाल सकते हैं। गिवन जो यू फंक्शन है इसमें एक्स और वाई इंटरचेंज करने के बाद में स्टिल फंक्शन सेम रहेगा, सो डायरेक्टली वी कैन फाइंड डेल यू बाय डेल वाई ऑल्सो। इंस्टेड एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दो तो इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई ब्रैकेट स्क्वायर। सेम वे फाइंड डेरिवेटिव ऑफ वी पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या आएगा डेरिवेटिव ऑफ वी पार्शियली एक्स है? 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड डेरिवेटिव ऑफ वी पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई इज 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। चारों वैल्यूज निकाल के रखे पुट इन डेफिनेशन ऑफ जैकोबियन। सो हियर जे इज इक्वल्स टू अगर जैकोबियन के अंदर वैल्यूज को पुट अप करते तो फर्स्ट वैल्यू इज 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई ब्रैकेट स्क्वायर, देन हियर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई ब्रैकेट स्क्वायर एंड हियर इट इज 1 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। डिटरमिनेंट को सॉल्व करते वक्त
एज इट इज सॉल्व करोगे तो भी वही आंसर आएगा, अदरवाइज यू मे टेक सिमिलर टर्म कॉमन फ्रॉम एनी वन रो और फ्रॉम एनी कॉलम. सो हियर फर्स्ट रो कंटेन 1/(1 − xy) ब्रैकेट स्क्वायर, तो दोनों में से ये सिमिलर टर्म को आउटसाइड निकालो, सो दैट डिटरमिनेंट थोड़ा सिंपल हो जाएगा. इन द नेक्स्ट स्टेप हियर अगेन नेक्स्ट स्टेप में हम सिमिलर टर्म को आउटसाइड निकालते हैं, तो नाउ सी हियर वी गेट इट इज j इज इक्वल्स टू 1/(1 − xy) ब्रैकेट स्क्वायर आउटसाइड. फ्रॉम फर्स्ट रो वी आर टेकिंग सिमिलर टर्म आउटसाइड, देन रिमेनिंग इज इट इज 1+(y)² and here 1+(x)² 1/(1 + x)² 1/(1 + y)² सॉल्व करो डिटरमिनेंट को, क्या आता है निकल. मैम जीरो, या इट इज जीरो, जीरो आया है, जीरो. तो हियर j इक्वल्स टू जीरो, और जैसे जीरो आंसर आएगा तो आप पे क्या लिख सकते हैं हम, इफ जैकोबियन इज जीरो देन दिस इंप्लाइज यू एंड वी आर फंक्शनली रिलेटेड, क्योंकि क्वेश्चन क्या था कि आर दे फंक्शनली रिलेटेड, तो यस यू एंड वी आर फंक्शनली रिलेटेड. अगर ये फंक्शनली रिलेटेड है तो फाइंड इट्स रिलेशन, क्या आएगा रिलेशन उनका. मैम v इक्वल टू tan v, या v इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ u, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है यहाँ तक क्या क्या हुआ होगा तो चेक करो, ये जो फॉर्मूला है v इक्वल्स टू 1+v इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, दैट इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइडेड बाय x माइनस here v equals to tan inverse of x plus y divided by 1 − xy, and this bracket term is nothing but from equation 1 it is u, so we can write v equals to tan inverse of u. So here we may write u is equals to tan of u. This is the relation. Below the video you can see subscribe button, click on that to subscribe, and there in the right hand side bell icon. Click on the icon to get the notification of updated video. In the left hand side, there is a Swati Think Mathematics icon. Click on that icon, you will see home page of my channel video playlist. Here in the playlist, all the videos are available in the folder form. So if you want video on particular topic, just click on that folder. Thank you. Like, share and subscribe.